नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृषभ लगन व वृषभ राशि के लिए जुलाई 2024 का मासिक राशिफल। सबसे पहले हम समझें कि वृषभ लगन व वृषभ राशि का क्या अर्थ है। ये आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 2 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका वृषभ लगन। और इसी में अगर चंद्रमा बैठा है तो इसका वृषभ राशि, यानी आपका वृषभ लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आपकी वृषभ राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जुलाई के माह में ग्रहों का गोचर क्या रहेगा। माह का जब आरंभ होगा तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो लगन पर होंगे, और धन भाव में शुक्र व सूर्य की युति होगी। आगे चलकर शुक्र व सूर्य तीसरे भाव में चले जाएंगे, जहां उनकी बुध के संग युति हो जाएगी, और 19 जुलाई के बाद बुध चौथे भाव में आ जाएंगे। केतु पंचम में गोचर कर रहे हैं, शनि महाराज दशम भाव में बकरी अवस्था में बैठे हैं, राहु एकादश में है, माह के आरंभ में मंगल द्वादश में होंगे और 12 जुलाई के बाद मंगल लगन पर आ जाएंगे। ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम देखते हैं कि वृषभ लगन व वृषभ राशि के लिए जुलाई माह में क्या है। सबसे पहले बात करें आपके कैरियर को लेकर कि अगर आपको जुलाई के माह में जॉब बदलनी है तो उसके लिए समय क्या बनता है। वो समय बनता है 6 से लेकर 31 जुलाई के बीच में। 6 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आप जो है जॉब बदल सकते हैं। इसके साथ साथ आपका इस अवधि में ट्रांसफर भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और किसी ना किसी कारण से विदेश यात्रा भी हो सकती है। दशम भाव में दशमेश शनि स्वराशि के चल रहे हैं और उनकी द्वादश भाव पर दृष्टि है। दशमेश का द्वादश भाव से संबंध बन रहा है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के वो जातक जो विदेश में जॉब ढूंढना चाहते हैं, फॉरन सेटलमेंट के लिए इच्छुक हैं, तो उनके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा समय है। साथ ही इस समय क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं तो आपको ध्यान रखिएगा, 30 जून 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक जब तक दशमेश शनि वक्री चलेंगे, आपको काम में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब आपके पास रिजल्ट आएंगे। क्योंकि शनि वक्री हैं, काम में मेहनत करेंगे पर फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो आपके लिए अपने व्यापार में नए काम की शुरुआत के लिए जो समय बनता है वो 19 से 31 जुलाई के बीच में बनता है। इस माह आपको भाग्य का साथ मिलेगा 6 से 18 जुलाई के बीच में। 6 से 18 जुलाई के बीच में आप देखेंगे कि आपके कामों की गति तेज हो गई और कामों की काफी बाधाएं आपको दूर मिलेंगी। इस माह आपका विवाह तय हो सकता है, और जो दंपति संतान प्लान करना चाहते हैं संतान प्लान कर सकते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर इस माह कोई आपकी कोर्ट केस की डेट आती है तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। इस माह के आरंभ में ही 1 से 6 जुलाई के बीच में अचानक धन लाभ की संभावना है। इस माह आपका तीसरा भाव बहुत बलि हो रहा है, आपको मित्रों से बहुत लाभ होगा, सोशल कनेक्टिविटी से लाभ होगा, और साथ ही साथ इस माह आपकी यात्रा की भी संभावना बनती है 6 से 18 जुलाई के बीच में। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, तो ओवरऑल पारिवारिक जीवन काफी अच्छा जाने वाला है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। 12 से 31 जुलाई के बीच में मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना होने की संभावना बनती है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगन पे जो गुरु का गोचर हो रहा है, गुरु अष्टमेश होकर लगन पे गोचर कर रहे हैं, और 12 जुलाई के बाद अष्टमेश गुरु के साथ द्वादश मंगल की भी युति हो जाएगी और उसके ऊपर केतु की दृष्टि होगी। तो 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना है। अगर आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं या आपको लीवर की प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज वगैरह है तो विशेष सावधानी रखिएगा। प्रेम संबंधों की अगर आप बात करें तो शुभ समय निकल कर आता है 6 से 18 जुलाई के बीच में। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। इस माह दशमेश वक्री चल रहा है, इसलिए पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि वृषभ लगन व वृषभ राशि के लिए जुलाई के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं। ये वो तिथियां होंगी जब आपका चंद्रमा शुभ होगा। चंद्रमा हमारा मन का कारक ग्रह है। अगर चंद्रमा हमारा शुभ है और उन तिथियों पर हम कोई काम करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो जुलाई माह की शुभ तिथियां हैं 2 व 3 जुलाई, 4 व 7 जुलाई, 8 व 14 जुलाई, 15 व 16 जुलाई, 17 व 18 जुलाई, 23 व 24 जुलाई, 25 व 26 जुलाई और 27 जुलाई। वह शुभ तिथियां हैं जब हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होगा। इस दिन हमें किसी नए काम की शुरुआत करनी है, जॉब ज्वाइन करनी है, व्यापार में कोई काम करना है, यात्रा के लिए जाना है और कोई मांगलिक कार्य करना है, तो इन तिथियों का चयन करें। अब हम जुलाई माह की आपकी सावधानी की तिथियां बताएंगे जब चंद्रमा 4th, 8th, 12th होगा। ये तिथियां हैं 1 व 9 जुलाई, 10 व 11 जुलाई, 19 व 20 जुलाई, 28 व 29 जुलाई।
इन तिथियों में सावधानी रखिए, वाहन सावधानी से चलाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोई भी शुभ कार्य मत करिए, जैसे जॉब ज्वाइन करना या कोई मांगलिक कार्य कराना या किसी से मुलाकात करनी या किसी को पैसा उधार देना, क्योंकि उसमें हानि होने की संभावना है। तो ओवरऑल वृषभ लग्न व वृषभ राशि को कैरियर का नया अवसर मिलेगा। शनि का वक्री होना आपके लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वृषभ लग्न एक ऐसा लग्न है जिसमें शनि नवेश और दशमेश बनते हैं और शनि योगकारी ग्रह हैं। शनि वृषभ लग्न वालों का कभी नेगेटिव नहीं करते और वक्री होकर भी भाग्य भाव की तरफ जा रहे हैं। शनि का किसी नेगेटिव हाउस से संबंध नहीं बन रहा। हाँ, शनि के वक्री होने के कारण आपको काम में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये समय जब तक शनि दशम में गोचर करते हैं, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। जॉब बदलने के लिए आपके पास समय है ही, 6 से लेकर 31 जुलाई आप कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए जुलाई का माह कैसा जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।